हेलो फ्रेंड्स आई एम आशा मैम एंड वेलकम टू इंग्लिश विद आशा मैम ये रीडिंग का चैनल है फ्रेंड्स और इसमें बेसिक इंग्लिश रीडिंग प्लस एडवांस इंग्लिश रीडिंग दोनों टाइप के वीडियोस आपको मिल जाएंगे और जो भी पीडीएफ होता है वो मैं इंग्लिश विद आशा मैम यही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है आप चाहें तो वहाँ पर पी ले सकते हो उसको ज्वाइन करके तो आज हमारी जो स्टोरी है मॉरल बेस्ड स्टोरी है इसके जरिए हम अच्छे वर्ड मीनिंग सीखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स भी सीखेंगे तो इसका टाइटल है कीपिंग पेशेंस पेशेंस मीन्स धैर्य रखना धीरज रखना कीपिंग इज रखना तो धैर्य रखना ये हमारी स्टोरी का टाइटल है आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट दो तो दोस्त फ्रेंड्स है प्लूरल सब्जेक्ट है टू फ्रेंड्स इसीलिए यहां पे वर लगा है सिंगुलर होता जैसे कि अ फ्रेंड वॉकिंग होता तो इसलिए यहां सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब है ये टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट दो दोस्त वर वॉकिंग मीन्स चल रहे थे या जा रहे थे थ्रू द डेजर्ट डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान तो रेगिस्तान के थ्रू रेगिस्तान से गुजरते हुए जा रहे थे यहां पे देखिए वर् के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लगता है वो पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तो इससे हमको पता लग गया ये है पास्ट का हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी जब लगता है वो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट दो दोस्त डेजर्ट रेगिस्तान से होकर जा रहे थे ड्यूरिंग द जर्नी ड्यूरिंग मीन्स के दौरान जर्नी के दौरान यात्रा के दौरान दे आर्ग्यूड और आर्ग्यूड जो है सेकेंड फॉर्म में है ये वाला वर्ब आर्ग्यू मीन्स बहस करना तो आर्ग्यूड मतलब उन्होंने बहस करी ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है सेकेंड फॉर्म में जब वर्ब होता है तो सिंपल पास्ट में होता है वो सेंटेंस पास्ट इनडेफिनेट भी बोलते हैं उसे दे दोनों दोस्त जो है आर्ग्यूड उन्होंने बहस की ओवर समथिंग किसी चीज के ऊपर उन्होंने बहस करी एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड दी अदर और एक दोस्त ने दूसरे को स्लैप कर दिया ये सेकंड फॉर्म है स्लैप मतलब थप्पड़ मार दिया सिंपल पास्ट में है वर्ब सेकंड फॉर्म में है दी वन हु गॉट स्लैप्ड वॉज हर्ट बाय दिस जेस्टर जेस च वन हु गॉट स्लैप्ट वो जो लड़का था या जो जो फ्रेंड था हु गॉट स्लैप्ट जिसको कि थप्पड़ मारा गया था वॉज हर्ट तो वो दुखी हुआ मतलब यहाँ फिजिकल दुख की बात नहीं हो रही कि जोर से उसको दर्द हुआ यहाँ पे कैसा दर्द है मतलब दिल में उसके क्या हुआ दर्द वॉज हर्ट बाय दिस जेस्टर जेस्टर मीन्स इस भाव से तो उसको काफी दुख पहुंचा ही वॉज हर्ट यहां पे जो वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है स्लैप्ड और हर्ट हर्ट तीनों फॉर्म्स में सेम रहता है हर्ट हर्ट हर्ड और यहां पे वॉज लगा हुआ है तो इससे हमको पता लगता है सिंपल पास्ट का ये पैसिव में है सेंटेंस बाय दिस जेस्टर इस भाव से उसे बहुत दर्द हुआ ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड तो उसके सबसे पक्के दोस्त के इस भाव से उसे बहुत ही चोट पहुंची बट डिड नॉट रिएक्ट डिड भी जो है पास का हेल्पिंग वर्ब है बट डिड नॉट रियक्ट बट लेकिन डेड नॉट ये नेगेटिव में बात की गई है कि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ये वाला जो क्लॉज है ये सिंपल पास का नेगेटिव है कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी दि. डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो रिएक्ट लिखा है उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ही क्वाइटली रोट इन दैंड उसने चुपके से उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वो बिल्कुल चुप है तो चुपचाप होकर ही रोट लिखा राइट का सेकेंड फॉर्म है रोट इन द सैंड रेत में तो ही क्वाइटली रोट इन सैंड उसने चुपचाप रेत में उसने चुपचाप रेत में लिखा यहां पे जो रोट है वो वर्ब है वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है क्वाइटली कैसे लिखा चुपके से बिना कोई प्रतिक्रिया देते हुए ये वाला वर्ड यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है एडवर्ब है वैसे भी पहचान ये है कि जो वर्ड्स एल वाई से फिनिश होते हैं ज्यादातर वो एडवर्ब्स होते हैं क्या लिखा उसने टूडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप मी आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे थप्पड़ मारा है ये उसने किसमें लिख लिया है मिट्टी में आफ्टर सम टाइम दे फाउंड एन ओएसिस ओएसिस एंड स्टार्टेड टेकिंग लेक सम टाइम कुछ समय के बाद दे फाउंड फाउंड मतलब उनको मिला फाइंड का सेकेंड फॉर्म है एंड ओएसिस ओएसिस जो होता है रेगिस्तान में एक फर्टाइल लैंड होता है हरी भरी जमीन होती है जहां पे वाटर बॉडी भी होती है तो वहां उसको एक ओएसिस मिला उन लोगों को और उन्होंने शुरू कर दिया टेकिंग अ बाथ मतलब कि नहाना इन द लेक उस लेक में नहाना शुरू कर दिया सडनली द वन हैड बिन स्लैप स्टार्टेड ड्राउनिंग सडनली अचानक द वन हु हैड बिन स्लैप यहां पे द वन मतलब वो हू जो की हैड बिन स्लैप जिसको कि थप्पड़ मारा गया था स्टार्टेड ड्राउनिंग ड्राउन मतलब डूबना आई एनजी फॉर्म है ये वर्ब का तो उसने डूबना शुरू कर दिया और यहां देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब यूज होती है तो वो सेंटेंस होता है पास परफेक्ट टेंस में और जब बिन लग गया यहाँ पे हैड बिन स्लैप्ड तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म तो सडनली अचानक से जिसको कि थप्पड़ जिसको पड़ा था वो वाला लड़का जो था वो डूबने लग गया देन हिज फ्रेंड केम टू हिज रेस्क्यू एंड सेव्ड हिम देन फिर हिज फ्रेंड उसका दोस्त केम कम का सेकेंड फॉर्म है कम आना केम आया टू हिज रेस्क्यू उसके बचाव के लिए रेस्क्यू मीन्स बचाना तो उसके बचाव के लिए आया एंड सेव्ड हिम और उसको बचा लिया सेव का सेकेंड फॉर्म है और उसको फिर उसने बचा लिया उसके बचाव के लिए आया और फिर उसको बचा लिया आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम द ड्राउनिंग आफ्टर मींस बाद में ही रिकवर्ड जब वो ठीक हुआ फ्रॉम ड्राउनिंग मतलब डूबने से जब उसके शरीर में पानी भर गया तो उससे जब वो रिकवर हो गया ठीक हो गया ही एनग्रेव्ड एनग्रेव का मतलब है कि खोद के किसी मेटल में या किसी स्टोन में पत्थर में खोद खोद के कोई चीज लिखना उसको बोलते हैं एनग्रेव तो यहाँ पे उसने क्या किया लिखा टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ ऑन अ स्टोन कि आज मेरे ही पक्के दोस्त ने सेव मतलब बचाई मेरी जिंदगी माय लाइफ इस बार उसने लिख दिया पत्थर में खोद खोद के उसने पत्थर में ये वाली चीज लिख ली द फ्रेंड हु हैड स्लैप्ड अर्लियर एंड लेटर सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड आस्ट अब वो जो दोस्त था हैड स्लैप्ड अर्लियर जिसने की थप्पड़ मारा था हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है ये पास परफेक्ट टेंस में है कि जब उसने जिसने उसको पहले थप्पड़ मारा था और बाद में उसी की जान बचाई थी उसने पूछा अब जो पूछ रहा है वो तो वो वाला सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में है क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में वो पूछ रहा है आमने सामने बात हो रही है आफ्टर आई स्लैप्ड यू यू रोट इन द सैंड एंड नाउ एज आई सेव्ड यू यू राइट ऑन अ स्टोन वाई तो वो आमने सामने जब बात हो रही है तो टेंस थोड़े चेंज हो जाएंगे ये प्रेजेंट टेंस में ही बात हो रही है कि आफ्टर आई स्लैप्ड यू जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा उसके बाद यू रोट इन द सैंड आपने लिखा रेत के ऊपर एंड नाउ और अब एज आई सेव्ड यू जब मैंने आपको बचाया यू राइट ऑन अ स्टोन अब आप लिख रहे हो एक पत्थर के ऊपर क्यों? द अदर फ्रेंड रिप्लाइड तो दूसरे फ्रेंड ने उसको रिप्लाई जवाब दिया सेकेंड फॉर्म है ये वर्ब का रिप्लाई का आई रोट ऑन सैंड बिकॉज वी शुड नॉट कीप द फीलिंग ऑफ गेटिंग हर्ट बाय समन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन आवर हार्ट्स अब वो बता रहा है रीजन इन्वर्टेड कॉमज में है सामने सामने बात हो रही है वो बता रहा है कि आई रोट ऑन सैंड मैंने रेत पे लिखा राइट right का सेकेंड फॉर्म है रोट लिखा बिकॉज क्योंकि वी शुड नॉट कीप द फीलिंग ऑफ गेटिंग हर्ट वी शुड नॉट कीप हमें नहीं रखनी चाहिए द फीलिंग भाव ऑफ़ गेटिंग हर्ट चोट पहुंचाने का बाय समवन किसी के द्वारा फॉर अ लॉन्ग टाइम इन आर हार्ट्स देर समय तक अपने दिलों में कहने का मतलब है कि हमको अपने दिलों में बहुत लंबे समय तक इस फीलिंग को इस भाव को नहीं रखना चाहिए कि किसी ने हमको चोट पहुंचाई है तो इसीलिए मैंने ये वाली चीज रेत पे लिख दी बट वेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस

जब हमारे साथ कोई अच्छा काम करता है हमारे लिए कुछ अच्छा काम करता है वी मस्ट रिमेंबर इट फॉर एवर लाइक अ मैसेज हमको हमेशा मस्ट जरूर से रिमेंबर याद रखना चाहिए उस चीज को फॉर एवर हमेशा के लिए लाइक अ मैसेज एनग्रेव्ड ऑन अ स्टोन दैट नथिंग कैन इरेज लाइक अ मैसेज एक ऐसे मैसेज की तरह एनग्रेव्ड जो कि खुदा हुआ हो ऑन अ स्टोन एक पत्थर के ऊपर दैट नथिंग कैन इरेज जिसको कि किसी को, कोई भी चीज इरेज नहीं कर सकती मिटा नहीं सकती इरेज का मतलब है मिटाना पत्थर में खोद के अगर कुछ लिखा हो तो उस चीज को कोई भी और चीज मिटा नहीं सकती हम उसको मिटा नहीं सकते तो उस फ्रेंड ने बहुत अच्छी बात कह दी और यही हमारी स्टोरी का मॉरल भी है रिमेम्बर द गुड थिंग्स दैट हैपन इन लाइफ नॉट द बैड मेमोरीज रिमेंबर याद रखिए गुड थिंग्स वही अच्छी चीजें दैट हैपन इन लाइफ जो कि हमारी जिंदगी में घटित होती हैं घटती हैं नॉट द बैड मेमोरीज बैड मतलब बुरी और मेमोरीज मतलब यादें बुरी यादें नहीं अच्छी चीजें जो हमारे साथ रोज घटती हैं उनको हमें याद रखना चाहिए और बुरी यादों को अपने दिल से दूर निकाल देना चाहिए क्योंकि वो हमें दुख पहुंचाती हैं इसीलिए हमने स्टोरी में भी देखा कि उस फ्रेंड ने रेत पे तो बुरी बात लिख ली और स्टोन में पत्थर में उसने जो भी उसके साथ अच्छा हुआ वो लिखा ताकि वो देर समय तक उसे याद रहे फ्रेंड्स आई होप आपको ये मॉरल बेस्ड स्टोरी पसंद आई होगी और आपने जरूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए रोज इसी तरीके के मैं रीडिंग वीडियोस एडवांस और बेसिक दोनों लेकर आती हूँ इस चैनल पे थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम